स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारी एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के सारे वीडियोज जो हैं पब्लिश हो चुके हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम क्लास 9 पर आ गए हैं। उसके पहला चैप्टर भी हम डिस्कस करके कर चुके हैं उसका। अभी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में चैप्टर सेकंड को, कक्षा 9 के चैप्टर सेकंड अध्याय 2 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं? तो पदार्थ शुद्ध होते हैं क्या, शुद्ध अवस्था में मिलते हैं? कोई पदार्थ बताइए ऐसा जो आपको शुद्ध अवस्था में मिले। कोई भी आप देख लीजिए, आपके आसपास का जल हो गया, आपके आसपास देख लीजिए कोई भी मटेरियल हो गया, कोई भी आप जो धातु पहनते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कुछ भी है, या जो आपको पेट्रोल देखते हैं जनरली आपका जो बाजार में मिलता है, तो ये एक्चुअल में क्या इनका कंटेंट शुद्ध होता है, ये बारे में हमें डिस्कस करना है आज। या ये मिक्सचर क्या होता है, हिट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, समांगी बिलयन क्या होता है, विषमांगी बिलयन क्या होता है, तो इन सब के विषय में हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आपको यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, ये तीन आयोग के एग्जाम्स जो होते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको इनके कोर्सेज मिल जाएंगे। ये आपको प्री और मेंस दोनों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी चीज ये कि इनका आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 85 वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप फोन कॉल के थ्रू कांटेक्ट करिए, और जो टेलीग्राम वाला नंबर है ये 78 वाला, इस पर आप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो फ्री है बिल्कुल, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो ग्रुप आए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे टाइम टाइम पे, और जो फ्री है स्टडी मटेरियल और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो वहां पर शेयर कर दी जाती है। और ये कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं, ये आपको काफी मदद कर सकते हैं, जो पेड कोर्सेज हैं हमारे। ठीक है, अभी बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो मिश्रण कोई अकेला, मिश्रण का मतलब क्या हो गया, एक या दो से अधिक, इनका मतलब एक से अधिक, एक कोई पदार्थ जो है वो तो मिश्रण कहलाएगा नहीं। एक में एक जुड़ा हो, मतलब दो हो या फिर तीन चार आपस में मिले हो, उसको मिश्रण मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है घुला हुआ है, तो मिश्रण में H2O में क्या घुला है, सोडियम क्लोराइड। अभी ये H2O क्या है, एक यौगिक है। यौगिक कैसे है, दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं यौगिक, इसमें H है और O है, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl, यो भी एक प्रकार का यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो ये जो है इसमें घुला है, तो वही चीज लिखी हुई है, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको मिश्रण बोलते हैं। अभी यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, तो भौतिक विधि से नहीं पृथक किया जा सकता है, रासायनिक विधि से इसको पृथक किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी जो है एक प्रकार का शुद्ध अवयव है और उसका यौगिक समान रहता है। तो चीनी जो है उसका सूत्र आपको पता ही होगा, C12H22, ठीक है, O11, ये इसका सूत्र होता है चीनी का। तो ये आयनों में नहीं टूटता, ये भी जल में घुलनशील हो जाता है, तो उसको भी मिश्रण बोलेंगे, चीनी और जल का मिश्रण, और उसको बोलेंगे नमक और जल का मिश्रण। ठीक है, जो नमक घुलेगा उसमें, तो ये इस प्रकार से मिश्रण होते हैं। और ये जो है विभिन्न दो तत्व मिलकर बना सकते हैं आपस में, दो यौगिक मिलकर बना सकते हैं। अब बात करते हैं विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अभी समांगी मिश्रण होता क्या है, देखिए समांगी, देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, मतलब होमोजिनस और हेटरोजिनस। उसी में हम विलयन जो है, जो समांगी मिश्रण होता है उसको विलयन बोलते हैं, मतलब पदार्थ अच्छे से घुला हो, दोनों पदार्थ आपस में अच्छे से घुला हो, मतलब क्या है, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि इस विलयन में कण जो है समान रूप से वितरित रहते हैं। आप देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, देखिए पहले क्या है, सोडा का, सोडा जल में घुला हुआ है, और नींबू का जल है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
और इसमें क्या है कि ठोस जो है, ठोस बिलियन क्या होते हैं, मिश्र धातु जो होती है, तो मिश्र धातु भी एक प्रकार का जो है सवांगी मिश्रण होती है, और जो गैस होती है हमारी, देख लीजिए गैस, गैस मतलब जो वायु होती है, वायु देख लीजिए, वायु भी एक प्रकार की समांगी मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब चीज है, तो इसमें जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे आपका। और तो अभी आप इसका देखिए, नमक का पानी है, नमक के पानी को आप टेस्ट करिए तो वो थ्रू आउट एक जैसा दिखेगा, चीनी के पानी को टेस्ट करिए तो वो थ्रू आउट एक जैसा लगेगा। तो इस प्रकार के जो मिश्रण है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है, और इसको अलग नाम क्या दिया है, बिलियन। तो ये बिलियन है। अब बिलियन में क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो जनरली देखा जाए जो सॉल्वेंट होता है उसको बोलते हैं विलायक, और जो सॉल्यूट होता है उसको बोलते हैं बिले, मतलब जो ज्यादा होता है क्वांटिटी में जनरली देखा जाए तो वो होता है सॉल्वेंट, और उसमें फिर ऊपर से डाला जाता है वो होता है सॉल्यूट, ये होता है बिले। तो बिले प्लस विलायक इक्वल्स टू बिलियन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, तो ये रहता है उसका, ठीक है, दोनों आपस में घुले हुए होते हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं बिलियन। अभी बात करते हैं मिश्र धातु क्या होती है, एलॉयज, ये धातु समांगी मिश्रण होती है, मिश्र धातु समांगी मिश्रण होती है, इनको भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। मिश्रण क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठक संगठन रखते हैं। तो देखिए पीतल जो है, मतलब इसको जो है जनरली भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन तब भी इसको मिश्रण बोला जाता है, क्योंकि ये संगठन में अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये अपने घटकों के अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो है, ये अब आपको यहां से मिश्र धातु का एक एग्जाम्पल मिल गया, उसको रट लीजिए, कितने परसेंट पीतल है, कितने परसेंट जिंक है, पीतल में कितने परसेंट क्या क्या है, तो ये पीतल में जिंक है 30% और 70% है कॉपर। अब ये डायरेक्ट यहाँ एग्जाम्पल से कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पीतल है उसमें जिंक, जो पीतल है वो जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है, ये तो जनरल है, और परसेंटेज अगर इसकी पूछ ली थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा कि पीतल में जो है जिंक की प्रतिशतता कॉपर से अधिक होती है, ऐसे ये कथन बन सकता है, तो आप ये कथन गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर की 70% होती है, अधिक होती है जिंक से, और अगर ये आ जाए कि दोनों की परसेंटेज क्या क्या होती है, तो इस प्रकार से जो है एक कसम से कितना घुमा के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है उन पे तो मेन रूप से फोकस करना है आपको, ठीक है। तो मिश्र धातु क्यों माना गया है इनको, क्योंकि ये जो अपने जो इनके आपके जो संगठक हैं उनके अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपने संघटकों के अलग अलग गुणों को के गुणों को दर्शाते हैं, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, ठीक। अभी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि ये समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसके जो आपस में जो पदार्थ दोनों घुले हुए होते हैं उसके कण, ठीक है, जैसे हमने अभी उसमें उस चैप्टर में भी देखा था, जो हमारा इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था इंटरमिक्सिंग हो रही थी, तो ये जैसे जल के अणु हैं, ये अभी हमने इसमें नमक डाला तो ये नमक के अणु बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे इसके बीच में, ठीक है, तो इस प्रकार को इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। अभी बिलियन के कण को जो जो ब्यास लिखा हुआ है, इतना जो है बिलियन के कण ब्यास में जो है 10^-9 मीटर से भी छोटे होते हैं, 10^-9 मीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर इसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो जनरली आप अपनी नेक डाइस से इसको नहीं देख सकते हैं, छोटे आकार के कारण बिलियन के कारण गुजर रही प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, क्योंकि इनका आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो अगर इन अगर आप इनके जो है इनके आर पार प्रकाश को डालिए तो ये एक दूसरे प्रकाश को फैलाएंगे नहीं, प्रकीर्णित नहीं करेंगे। अच्छा, इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करना सॉल्यूशन के कारण द्वारा, ये नहीं दिखाते, नॉर्मल मिश्रण नहीं दिखाते, समांगी मिश्रण, ये कोलाइड दिखाएंगे। अब आगे जब कोलाइड पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोलाइड क्या होते हैं। अभी छानने की विधि को द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतना अच्छे से घुले होते हैं, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जनरली छान के आप अलग इनको नहीं कर सकते, ठीक है, आप ये बोलें कि छान छान के जो है नमक के पानी को अलग कर देंगे, नमक से पानी को कैसे कर लोगे भैया, चीनी पानी को अलग कर दोगे, नहीं कर पाओगे, और नमक पानी को भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल समान रूप से व्यवस्थित है,
और दूसरी चीज ये कि रेत और उसके पानी को अलग कर दोगे, रेत के और पानी के मिश्रण को कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे छान के। कैसे? क्योंकि वो तो घुले ही नहीं आपस में, वो तो मिश्रण जो है सस्पेंशन है एक तरीके का, रेत नीचे बैठ गई जाके, उसमें घुलना क्या है, दोनों अलग अलग हैं बस, पड़े हुए हैं एक दूसरे में, और यहाँ पे पूरा घुले हुए हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल के बीच में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं सांद्रता क्या होती है बिलियन की, कंसेंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, अभी ये रेस्पेक्ट में देखी जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट जो बिले होता है, ब्लैक होता है, उसकी दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो कंसंट्रेशन आप देख लें तो इसमें देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना उसमें बिले हमने डाला है और प्लस टोटल सॉल्यूशन का जितना वेट है। टोटल सॉल्यूशन मतलब अभी देखो बताऊंगा कि एक तो ये हो गया सॉल्यूट, नीचे डालेंगे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब नीचे भी सॉल्यूट रहेगा, ऊपर तो डाल लिया क्योंकि वो जब पड़ गया तो पूरे सॉल्यूशन में तो उसका भार आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा ऊपर डालेंगे बिले, अगर सूत्र निकालेंगे बिले प्लस नीचे बिलायक प्लस बिले, दोनों लिखेंगे ठीक है डिनोमिनेटर में। और अभी इसमें 2% दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब हम कोई मान लीजिए ये था 100 ग्राम जल था, इसमें हमने 50 ग्राम नमक डाल दिया, तो अभी हमें क्या देखना है इसकी सांद्रता कैसे निकलेगी, कि 50 बटे 100 प्लस 50 होगा। ठीक है, क्योंकि अब 50 डाल दिया है तो पूरे सॉल्यूशन का क्या हो गया, अगर ये होता कि वेट ऑफ सॉल्यूंट वेट ऑफ सॉल्वेंट खाली, तो आप लिखते 50 बटे 100, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा है ना अमाउंट ऑफ, ठीक है तो उसको बोलेंगे। ठीक, तो ये अलग अलग प्रकार से निकाली जाती है। तो देखिए जो नीचे अगर इसके सॉल्यूशन होगा तो पूरा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेट लिया जाएगा, और क्योंकि सॉल्यूशन का पूरा वेट तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का होगा, और अगर खाली नीचे सॉल्वेंट होगा जैसा कि यहाँ है इसमें, तो खाली इसमें जो है सॉल्वेंट का वेट ले लेंगे। ठीक है, खाली सॉल्वेंट का वेट ले लेंगे जो विलायक है। अभी इसमें क्या है, मास बाई मास परसेंटेज क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, कि ऊपर भी द्रव्यमान डिनोमिनेटर में भी द्रव्यमान, जो बिले है उसको भी द्रव्यमान मिलेंगे, और जो विलायक है और जो सॉल्यूशन मतलब बिलियन है पूरा, उसको भी द्रव्यमान मिलेंगे। अब वही था कि 50 ग्राम जो है हमने नमक डाला 100 ग्राम जल में, तो क्या हो जाएगी इसकी मास परसेंटेज, तो ऊपर लिखिए 50, नीचे लिखिए 150, और फिर इसको कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 हो गया, तो 33.33% आ गया। ठीक है, ये हो गई बाई मास। अभी मास बाई वॉल्यूम, की ऊपर तो मास है नीचे वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमें इसको जो है लीटर में दिया जाता है, जैसे कि भैया 1 लीटर में हमने इतना 500 ग्राम नमक मतलब आधा किलो नमक डाला, तो उस हिसाब से सॉल्यूशन जो है जो उसका पूरा आपका वॉल्यूम होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, ऊपर सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मास, मास किसका लिया जाएगा सॉल्यूट का। तो इस प्रकार से दो मेथड होते हैं, बाई मास और वाई मास वॉल्यूम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक बिले है, बिलियन की सांद्रता का परिकलन करें। ठीक है, अब सांद्रता क्योंकि इसमें दोनों चीजें ग्राम में दी हुई हैं, तो बाई मास ही हम निकालेंगे, ना कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कोई कुछ कोई चीज मेंशन भी नहीं करी गई। तो 320 ग्राम क्या है, विलायक जल है, और उसमें 40 ग्राम साधारण नमक डाल दिया, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 320 प्लस 40। ठीक है, ये हो जाएगा 360, और अब इसकी परसेंटेज निकालनी है हमको, तो ऐसे निकाल लेंगे 360 जाएगा नीचे टोटल सॉल्यूशन का वेट जो मास है, और ऊपर कितना हमने डाला है 40 डाला है नहीं डाला है, तो 40 इधर डाला है इंटू 100 कर दीजिए, वही चीज इन लोगों ने यहाँ पे करी हुई है। ठीक है, तो वो 11.1 आ जाएगा परसेंट। ठीक, अभी व्हाट इज सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है कि हीमोजिनस नहीं होते हैं ये इसमें क्या होता है कि आपका सॉलिड जो है लिक्विड में डिस्पर्स रहता है, नीचे बैठ जाएगा जाके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन। अभी ये बिस्मांगी मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं बिस्मांगी मिश्रण, ये होता है सस्पेंशन। मैंने बताया है रेत का और जल का एग्जाम्पल, तो रेत उसमें नीचे बैठ जाती है, आप इसको कण को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, निलंबित
जो है इसमें कण निलंबित रहते हैं, नीचे बैठ जाएंगे जाके, ठीक है, ये लिखा, नीचे बैठ जाएंगे जाके। और जो है निलंबन समाप्त हो जाता है जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण प्रकीर्णन रुक जाता है। अब ये है, इसमें ये जल है, हमने इसमें बिल्कुल रेता डाल दी, अभी जब रेत डाल दी तो रेत इसमें नीचे इसके मूव कर रही होगी चारों तरफ, कुछ देर बाद रखेंगे तो नीचे जाएगी ना, तो अभी हम जब तुरंत रेत डाली उसके तुरंत बाद प्रकाश डालें तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाएगा, लेकिन जब एक बार ये नीचे बैठ जाएंगे सारे कण, ऊपर तो रुकेंगे नहीं, तो फिर ऊपर का जल फिर से पुट को शुद्ध हो जाएगा। अभी प्रकाश डालिए तो उसमें कोई कण नहीं होगा, तो प्रकाश जो है प्रकीर्णित नहीं होगा, प्रकाश जो है किंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये निलंबन के गुण होते हैं, आप जनरल समझ सकते हैं कि पानी लीजिए, रेत डालिए, वो निलंबन बन गया, सस्पेंशन बन गया। अभी बात करते हैं कोलाइड्स की, तो कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण होते हैं, इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा होता है कि प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम होते हैं, तो मतलब आंखों से देख तो नहीं सकते, ठीक है, मतलब ये समांगी मिश्रण से तो बड़े होते हैं, इसके जो आपके क्या बोलते हैं कण होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, तो मतलब बीच के होते हैं, आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश को ये जो है इधर उधर जो है मोड़ देते हैं, फैलाव कर देते हैं, तो ये किंडल इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है, कोलाइड्स आपको जगह जगह मिलेंगे, कैसे, जो ये शेविंग क्रीम है कोलाइड है, और आपका दूध है वो कोलाइड है, और जो बहुत चीजें कोलाइड है, मतलब ये आपके आसपास के क्षेत्र में देखेंगे सब चीज आप पूरा कोलाइड से घिरे हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें दो माध्यम रहते हैं, इसमें जैसे हम लोग बिलियन में क्या बोल रहे थे, बिलियन में बोल रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें इसमें बोलते हैं डिस्पर्स, इसमें बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो जो सॉल्वेंट है इसमें बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, और जो सॉल्यूट है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, इसमें अलग अलग बोलते हैं, देखिए ये परिक्षिप्त अवस्था हो और जिसमें घुला रहता है उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, ठीक। अभी इसके गुणधर्म डिस्कस कर लेते हैं, अब ये तो हमने देखा ही कि जो विषमांगी होता है ये आकार में छोटा होता है इतना कि तो छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, तो ये मतलब प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, इतना बड़ा होता है, बाकी लगभग लगभग जो है इसके जो है छानने जो में जो है सॉल्यूशन में नहीं छानने से पृथक किया जा सक रहा था, उसी प्रकार से ये कोलाइड भी नहीं पृथक किया जा सकता, तो जब इसको शान छोड़ दिया जाता है तब ये कण तरल पर बैठते हैं अर्थात स्थायी होते हैं, ठीक है, और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाव कर देते हैं, तो वही गुणधर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख लीजिए इसको, ये देखिए ये इस प्रकार से ये प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है इधर उधर, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कैसे करेगा, इसमें रख दिया आपने कोई कोलाइड कण है, यहाँ डाला प्रकाश, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा पूरा प्रकाश, ठीक है, इसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, डिस्पर्स कर देंगे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें आपको एक कॉलम में दिया हुआ है डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब परिक्षेपण माध्यम, और एक कॉलम में दिया हुआ है डिस्पर्स फेज मतलब परिक्षिप्त अवस्था, तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं वो क्या है, तो उसमें इमल्सन उसको बोलते हैं और दूध इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल जो है इस टेबल को पूरा रट लीजिए कि इसमें जो है डिस्पर्स जो फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोलाइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, कोलाइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मतलब, तो इसमें क्या लगा देंगे आप, मिल्क, ठीक है, और ऐसे ही आएगा कोलाइड ऑफ लिक्विड इन गैस, ठीक है, तो आप इसमें क्या लगा देंगे, कोलाइड ऑफ लिक्विड इन गैस, इसमें हो जाएगा एरोसोल आपका, ठीक है, और ये आ जाएगा कोलाइड ऑफ सॉलिड इन गैस, तो आप लगा देंगे एरोसोल, और कोलाइड ऑफ गैस इन लिक्विड तो आप लगा देंगे फोम, ठीक, इस प्रकार से लगा रहेगा, कोलाइड ऑफ सॉलिड इन सॉलिड तो हो जाएगा सॉलिड सॉल्ट, तो इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको रट लीजिए अच्छी तरीके से, और ये दूध वाला जरूर रट लीजिए, ये तो अक्सर आ जाता है, मतलब कोलाइड से कभी भी सवाल आता है तो उसमें ज्यादातर यही वाला पूछ लिया जाता है कि कोलाइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड या जिसमें डिस्पर्स फेज मतलब परिक्षेपण अवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों जल हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इमल्सन इसको बोलते हैं टाइप को, और ये दूध और फेस क्रीम इसका एग्जाम्पल है।
अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो देखिए कभी कभी जो द्रव में कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनको छानना पृथक करना बहुत मुश्किल होता है। अभी दूध है तो दूध के आपको कोलाइड में कण को कैसे अलग करेंगे, छान के अलग कर नहीं सकते। और दूध एक प्रकार का कोलाइड है, तो इसको जो है अब केंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो दूध में आपने क्रीम निकलते हुए कभी देखी होगी, तो उसको घुमाया जाता है। अभी घुमाते रहेंगे तो उसमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में आपने देखा होगा एक फोर्स अंदर लगता है, फिर उसी के बराबर उसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स बाहर लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी वो फोर्स से कण इधर उधर हो जाएंगे तो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और ये साइड में इसके कण इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, इसका बहुत उपयोग होता है डेयरी में क्रीम मक्खन वाली प्रक्रिया में होता है, रक्त और मूत्र की जांच में होता है, और कपड़े धोने की मशीन मशीन में होता है। भीगे कपड़ों को लगातार ऐसे ऐसे करते जाएंगे, उसकी गंदगी बाहर होती जाएगी। ठीक है, उन पर जोर पड़ेगा बाहर की तरफ, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में इनका उपयोग होता है। अब बात करते हैं आसमान की। अभी डिस्टिलेशन क्या होता है, देखिए डिस्टिलेशन में मतलब दो पदार्थ होते हैं जो घुले हुए होते हैं आपस में, उनको अलग करने की प्रक्रिया को डिस्टिलेशन बोलते हैं। अभी दो पदार्थ हैं जो एक दूसरे में घुलनशील हैं। अभी उसमें क्या है कि उनके जो है क्वथनांकों में अंतर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जल और एल्कोहल घुला हुआ है, एल्कोहल का क्वथनांक करीब 78 के आसपास मान लीजिए, और जल का मान लीजिए 100। तो अभी इसको आपने गर्म करा तो ये एल्कोहल पहले उड़ जाएगा, 78 डिग्री है इसका सेंटीग्रेड, हवा उसमें वाष्प के थ्रो। अभी इसको वापस जो है खाली इधर नीचे जल बचेगा, और वो इसको किसी में लेके इसकी वाष्प को कंडेंस करके वापस एल्कोहल बना लेंगे। तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं आसमन डिस्टिलेशन। ठीक है, लेकिन इनके क्वथनांकों के बीच अंतर पर्याप्त होना चाहिए। अगर यही होता कि 100 है 101 है तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्याप्त अंतर है, एक का 78 एक का 100 है, तो इसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। ये देखिए ये उपकरण दर्शाया गया, इस प्रकार का उपकरण होता है ये। यहाँ पे इसके मिश्रण को गर्म कर रहे हैं, इसमें से ये जो जिसका क्वथनांक कम है वो पदार्थ पहले उड़ता है, और वो यहाँ आते हुए ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें पास होता है तो ये कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है और फिर इसमें गिर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक टेबल बना हुआ है, एक चित्र डायग्राम बना हुआ है, इसको देख लीजिए कायदे से, समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सेम चीज हिंदी में डायग्राम बना हुआ है, जहां पे हिंदी में दर्शाया गया है जो जो भी उपकरण है, इनको देख लीजिए ढंग से। ये इसको बोलते हैं जल संगणक, जिसको कंडेंसर बोलते हैं। इसमें से जब गुजारी जाती है, क्या गुजारी जाती है, जो भी आपका जिसका भी क्वथनांक कम है उस वो पदार्थ पहले उड़ेगा। अभी अब उसको कंडेंसर से गुजारा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और वापस जो है यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे जो भी घुले हुए थे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि ये उसमें बहुत सारे जो है आपके एक मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ घुले होते हैं, उनके क्वथनांकों के बीच जो है 25 केल्विन से कम होता है अंतर। ठीक है, तो उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, इसमें जो नॉर्मल आसवन विधि है उसके समान ही होता है, केवल जो है आपका आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग करते हैं। तो ये एक प्रभाजी स्तंभ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये बात कि डिस्टिलेशन में जो है पर्याप्त अंतर होता है, किन्हीं दो जो है लिक्विड्स को अलग किया जाता है, दो मिसिबल घुलनशील लिक्विड को। इसमें जो है क्वथनांकों का अंतर 25 जो है केल्विन, यहाँ पे लिख लीजिए केल्विन, 25 केल्विन से कम होता है। ठीक है, और उस प्रकार के, और ये कई मिश्रण आपस में घुले होते हैं, मतलब कई पदार्थ आपस में घुले घुल के मिश्रण ये बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये एक प्रकार का जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे। इनमें बहुत सारे जो है, ये देखिए ये फ्रैक्शनलिंग कॉलम है एक प्रकार का। ठीक है, इसके बीच जो है जो भी इसमें पदार्थ घुले होते हैं उसके बीच जो क्वथनांकों का अंतर है 25 केल्विन कम होता है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या करते हैं कि दो पदार्थ ऐसे होते हैं, उनका ऐसा मिश्रण होता है जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते। जैसे आप देख लीजिए कि आपने तेल डाल दिया, तेल की बूंदे जल पे,
तो वो जो है घुलनशील नहीं होंगी एक दूसरे में, तेल कभी पानी में घुलता नहीं है जल में, तो उसको जो है सेपरेटिंग फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सेपरेटिंग फनल द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। इसमें क्योंकि आपका जो तेल है वो हमेशा जो है ऊपर रहेगा ऑयल, और जो वाटर है वो हमेशा नीचे रहेगा, तो इस प्रकार से इसको पृथक कर लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल या पृथककरण कीप। ये ऊपर मिट्टी का तेल है, बीच में जल है, इस प्रकार की कीप होती है, बहुत ही सिंपल उपकरण है। ओके, उनको पृथक नहीं किया जाता। इसमें जो मिसिबल है, जो घुलनशील है, जो घुलनशील नहीं है उनको पृथक किया जा सकता है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑयल और वाटर को किस विधि द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सेपरेटिंग फनल द्वारा, पृथककरण कीप द्वारा। ये देखिए अब क्या है, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं डिस्टिलेशन द्वारा। ठीक है, प्रभाजी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, क्योंकि ये जो घुलनशील है इसमें कई मिश्रण गैसें होती हैं। अगर वायु में देखें आप, तो आपका ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ऑर्गन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, और हीलियम भी होगी, तरह तरह की सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी, तरह तरह की गैसें हैं। अभी इनको जो है, इनके बीच जो है क्वथनांकों में भी कम अंतर होता होगा, तो इनको जो है किस विधि द्वारा करेंगे, इनको करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। और ये इस प्रकार से जो है प्रभाजी S1 द्वारा करेंगे। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा। अभी क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया जिसमें शुद्ध ठोस को विलयन से अलग करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए ठंडे पदार्थ को के सांद्र घोल को ठंडा किया जाता है। मतलब किसी पदार्थ के गर्म सांद्र घोल को ठंडा किया जाता है। किसी पदार्थ को इतना गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके घोल को ठंडा करते हैं, फिर क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रक्रिया को बोला। अब बात कर लेते हैं मिश्रण और यौगिक। मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए, तत्व दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं वो एक मिलेंगे आपस में तो वो बनाएंगे मिश्रण। ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्रण। अभी जो ये अब ये मिलेंगे तो किसी प्रकार का इसमें नया यौगिक का निर्माण नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अभी तत्व क्या होते हैं, तत्व जो होते हैं एलिमेंट जिनको बोलते हैं, वो मिलकर वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं यौगिक। अब मैं देखो बताता हूं आपको, देखिए NaCl क्या है, NaCl है एक नमक का सूत्र और ये है एक यौगिक। ठीक है, ये आयनों से मिलकर बना है, Na और Cl इसमें तत्व है। ठीक है, और आपका H2O क्या है, H2O किससे मिलकर बना है, H एटम और H एलिमेंट से और O एलिमेंट से, O तत्व से और H तत्व से। तो मतलब ये जो है इनको तो बोलते हैं यौगिक अलग अलग। अभी दो यौगिक आपस में मिलकर कोई चीज बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, दो यौगिक मिल रहे हैं लेकिन इनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। ठीक है, अभी ये दो केवल यौगिक भी मिल सकते हैं या केवल दो इंडिविजुअल तत्व भी मिल सकते हैं। ठीक है, कोई नया चीज नहीं बना रहे वो, तो इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। ठीक है, अभी इसका संगठन परिवर्तनीय होता है लेकिन यौगिक में जो है संगठन स्थायी होता है। आप देख कैसे, जैसे NaCl है, NaCl में एक Na एक Cl रहेगा एक अणु में हमेशा। ठीक है, मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मिश्रण में पहले आपने आपने 100 ग्राम जल लिया, उसमें 50 ग्राम नमक डाल दिया तब भी मिश्रण था, फिर उसमें 75 ग्राम नमक डाल दिया तब भी मिश्रण है। तो मतलब परिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसका संगठन नहीं तब भी मिश्रण ही कहलाएगा, वो नमक और जल का मिश्रण ही कहलाएगा, सांद्रता बदल जाएगी वो अलग बात है। लेकिन इसमें आप ये कह लें कि NaCl में जो है Na 2 कर दें, Cl 1 कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण उसमें उपस्थित, अच्छा इसमें गुणधर्म के ऊपर निर्भर करेगा। कैसे गुणधर्म, नमक का टेस्ट क्या है, प्योर नमक का टेस्ट क्या है, आपको पता है क्या होता है, साल्टी होता है वो, नमकीन। अभी उसको आपने जल में डाल दिया, फिर उसको टेस्ट करेंगे तब भी आपको नमकीन ही लगेगा। ठीक है, अभी इसमें मतलब जो घटक हैं उसके गुणधर्म होते हैं मिश्रण में, लेकिन इसमें चेंज हो जाते हैं पूरी तरह गुणधर्म। ठीक, इसमें पूरा जो है दो तत्व आपस में मिलते हैं, यौगिक बनाते हैं, यौगिक के गुण उसके जो संगठक पदार्थ है उससे भिन्न होते हैं। ठीक है,
घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसको भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। कैसे? नमक है, नमक को आप क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए, नमक और पानी के घोल मिश्रण का, नमक अलग हो जाएगा, पानी या बाष्पीकरण कर दीजिए उड़ जाएगा। इसको ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसको वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया हो गई या फिर रासायनिक प्रक्रिया, जैसे जनरली नहीं किया जा सकता ऐसा। ठीक है, कुछ देर के लिए आप देखेंगे नमक को रख दीजिए, नमक के पानी को उसमें धूप में थोड़ी देर बाद उसका इवेपोरेशन हो जाएगा और फिर नमक नीचे बच जाएगा। तो इस प्रकार से नमक का निर्माण समुद्र किनारे किया जाता है, फैला दिया जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, ये इंग्लिश में सेम चीज लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिए। एलिमेंट्स बोलते हैं आपके तत्व को और कंपाउंड्स बोलते हैं यौगिक को। और ये वही चीज है कि एलिमेंट जो होते हैं कंबाइन करके यौगिक कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड और एलिमेंट जो होते हैं वो अगर आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन उनकी जो कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, और इसमें जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं। ठीक, और इनको जो है फिजिकल चेंज द्वारा अलग किया जा सकता है दोनों को, इनको नहीं किया जा सकता। ठीक, और इन दोनों में प्रॉपर्टी सेम होती है जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल की होती है। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में जैसे एन ए और सी एल है, दोनों आयन की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अब नया एन ए सी एल बनाएंगे तो अलग प्रॉपर्टी होगी इसकी। तो ये है इसका। अभी पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण होता है। तो अधिकतर जो चीजें हम देखेंगे आप वो मिश्रण में ही देखेंगे, कोई शुद्ध पदार्थ तो कोई मिलता ही नहीं। शुद्ध पदार्थ तो अभी शुद्ध पदार्थ में देखिए तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं, और मिश्रण में आते हैं समांगी और विषमांगी। मैंने बताई कि समांगी और विषमांगी क्या होते हैं, कि बालू और पानी का जो हो गया, बालू नमक का हो गया जो रेत होती है, और समांगी होते हैं कि जल में चीनी जल में नमक, ये डिस्कस ही कर चुके हैं समांगी विषमांगी। और तत्व क्या होते हैं, तत्व वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो टोटल अभी तक जो है 92 नेचुरल तत्व खोजे जा चुके हैं जो प्रकृति द्वारा करेंगे। वैसे तो आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं, लेकिन 92 जो है नेचुरल है। और ये तत्व बिल्डिंग मतलब एक अल्फाबेट की तरह काम करते हैं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक हैं यौगिक के। कैसे? कि जैसे 92 हैं प्रकृति, ये तरह तरह से जुड़ के तरह तरह के यौगिक बनाएंगे। जैसे NaCl से जुड़ गया तो ये नमक बन जाएगा, अब NaNO3 से जुड़ गया तो ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये अलग अलग जैसे अल्फाबेट में नहीं हो रहा है। ठीक है, CaT जुड़कर कैट बना रहे हैं, अभी C को रिप्लेस करके Ba हो जाएगा तो बैट बना रहा है। तो मतलब हर बार नया बैट बन रहा है, और ऐसे ही हर बार जो है अलग अलग उससे कंबाइन होके ये नया नया प्रकार का यौगिक बनाता है जिसकी प्रकृति बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, तो ये यौगिक होता है, तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक, ये इंग्लिश में सेम चीज लिखी हुई है, देख लीजिएगा आप कि जो मिक्सचर होता है होमोजीनस हिट्रोजीनस भी होता है। हिट्रोजीनस जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है कंपोजिशन में, जैसे नमक और उसका साल्ट वाटर को हो गया और शुगर सोल्यूशन हो गया। और आपका हिट्रोजीनस जो होता है वो उसको एक सस्पेंशन टाइप का होता है, इनको दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, मतलब पूरा इनका यूनिफॉर्मिटी नहीं होती उनमें। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं मिलके दो जो टू और मोर एलिमेंट्स हैं मिलके जो है क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और एलिमेंट जो होते हैं लाइक अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स इन केमिस्ट्री। कैसे? तरह तरह से जो है अरेंज हो करके, एन जैसे सीएल से अरेंज हो गया तो NaCl बन गया, NO3 से अरेंज हो गया तो NaNO3 बन गया। तो इस प्रकार से जो है ये रहता है कि मैटर की जो है वो दी हुई है। आप कुछ सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, दोनों का और खा सही है, बोथ एंड वी आर करेक्ट। ओके, ठीक है। समांगी जब होता है तो वो बना लेता है बिलियन, उसको बोलने लगते हैं बिलियन या सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कैम्फर कैन बी प्यूरिफाइड बाई, कैम्फर को प्यूरिफाई कैसे किया है? कैम्फर में कोई मतलब अशुद्धि है तो उसको कैसे, उसको खुले में रख देंगे, जो प्योर कैम्फर होगा उसमें गुण होता है क्या, सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, वो उड़ जाएगा ऊपर, उसकी वाष्प को इकट्ठा करके फिर से कंडेंस करके जो है उसको जमा के फिर से वो बना लेंगे क्या, आपका जो कैम्फर है, जो कपूर है वो बना लेंगे, कपूर बोलते हैं कैम्फर को। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमक तत्व का उदाहरण है, ये देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है।
नमक तत्व का उदाहरण है, तत्व का नहीं है भाई, नमक एक यौगिक है, जो साल्ट है वो यौगिक है, NaCl, ठीक है। ये तो हो गया गलत। दूध टिंडल प्रभाव दिखा सकता है, ये सही हो गया। दूध कोलाइड होता है, टिंडल प्रभाव दिखा सकता है, टिंडल प्रभाव। तो इसमें क्या हो गया आपका, इसका हो गया फाइंड करेक्ट, तो बी वाला करेक्ट हो गया इसका, 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नमक और पानी को पृथक्करण कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। अब बताएं, नमक और पानी एक दूसरे में मिसेबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इसको पृथक्करण विधि द्वारा, पृथक्करण कीप विधि द्वारा अलग किया सकता है, नहीं किया सकता। पृथक्करण कीप विधि द्वारा उन्हीं पदार्थों को अलग किया जा सकता है जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे तेल हो गया और पानी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गलत। हवा के घटकों को प्रभाजी असंबंध विधि द्वारा अलग किया सकता है, ये सही हो गया, ठीक है। तो इसका फाइंड इनकरेक्ट चुनना है, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान करा करिए, पूछा गया जा रहा है, उसको बोला कर लिया करिए पहले ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फीडबैक जरूर दें। और दूसरी चीज़ कि आपका जो, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो सारे वीडियोस को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी साइंस पे। मैंने बहुत कोशिश की इसको कायदे से एक्सप्लेन करने की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग बने रहने के लिए। चलिए।